केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हुल दिवस है। हुल दिवस झारखंड की धरती में शुरू हुई थी, भारत देश की आजादी की पहली लड़ाई। जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, यानी विद्रोह किया था, उस दिन को हुल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। आजादी की पहली लड़ाई। हालांकि आजादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भगनाडी गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। आंदोलन का कारण, मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़ियां संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़िया संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूल रहे थे। सिद्धू कानू चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। आंदोलन का परिणाम, आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां की गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसाने लगे। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार इन हंटर ने अपनी पुस्तक एलेंस ऑफ रूलर बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। सिद्धू और कानू के गरीबी साथियों को पैसे का लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडी गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह सिद्धू कानू चांद और भैरव ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना लिए। संथालों के इस हार पर भी अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडी में हुल दिवस पर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है एवं वीर शहीद सिद्धू कानू को याद किया जाता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।